नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक खबर, साइप्रस से मैनचेस्टर जा रहे एक विमान में एक महिला ने अंडरवियर उतारकर दहशत फैला दी। महिला ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। महिला ने अपने पास बारूद होने की बात कही थी और खुद को ISIS आतंकियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली बताया। फिलहाल महिला को फिलिप ओब्रायन नामक एक यात्री ने पकड़ लिया, जो 3 बच्चों के पिता हैं। घटना 9 अगस्त 2022 की बताई जा रही है। डेली मेल के मुताबिक आरोपित महिला की उम्र लगभग 30 साल थी। उसे पकड़ने वाले व्यक्ति का नाम फिलिप ओब्रायन है, जो उसी विमान में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सवार थे। जहाज उड़ते ही महिला ने 2 बार अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कॉकपिट की तरफ दौड़ी। उसने अपने अंडरवियर को उतार दिया। उसने कहा कि उसके पास विस्फोटक है और कुछ ही देर में विमान के सभी यात्री मरने वाले हैं। वो अपने माता पिता को ISIS का आतंकी बता रही थी। महिला की इस हरकत के बाद विमान में सवार 35 वर्षीय फिलिप ओब्रायन ने कॉकपिट के पास उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने उस महिला को जहाज के फर्श पर गिरा दिया और पायलटों से इमरजेंसी लैंडिंग करने को कहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए पायलटों ने भी मैनचेस्टर जा रहे विमान को फ्रांस की राजधानी पेरिस के एयरपोर्ट पर उतार लिया। बाद में इस घटना की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस फुटेज में फ्रांस की 2 पुलिसकर्मी महिला को गिरफ्तार करने के लिए विमान में चढ़ते हुए दिख रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान महिला ने काले रंग की टोपी और लाल रंग का टॉप पहन रखी थी। आरोपित महिला की पहचान अभी उजागर नहीं हुई है। जहाज के कैप्टन ने उसकी हरकत को पागलपन बताया है। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।